हेलो नमस्ते सत श्री अकाल सलाम वालेकुम, स्वागत है आप सभी का देसी तड़का विद श्वेता पर। मैं आज अपनी किचन में बनाने जा रही हूँ मलाई कोफ्ता। लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले या इंग्रेडिएंट बताने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं या चैनल पर विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट्स करें। कमेंट्स का मैं आपके इंतज़ार करूंगी। मैंने लास्ट दो दिन से कोई वीडियो नहीं डाली है क्योंकि मैं आप लोगों के कमेंट्स का इंतजार कर रही थी। आपने कोई भी कमेंट्स नहीं डाले, कमेंट्स आया सिर्फ एक। इससे मुझे ये पता चलता है कि आप लोग पूरी वीडियो नहीं देख रहे हैं। तो चलिए इंग्रेडिएंट बता देती हूँ आपको। तो इंग्रेडिएंट कुछ इस प्रकार है। आज जो हम बना रहे हैं मलाई कोफ्ता बना रहे हैं। मलाई कोफ्ता के लिए हमें चाहिए पनीर, ये काजू, ये किशमिश, ये आलू, ये उबले हुए आलू है, ये प्याज है जिसको मैंने चॉप कर लिया है, ये टमाटर है, ये कुछ खड़े मसाले हैं जिसमें मैंने लिया है जीरा, तेजपत्ता, हरी इलायची, दालचीनी, काली मिर्च, और ये लिया है मैंने खोया यानी कि मावा। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले तो हम बनाते हैं मलाई कोफ्ते की ग्रेवी। इनको हम ऑन करते हैं और अपने पैन में डालते हैं ऑयल। तो ये तेल हमारा गरम हो चुका है, डालते हैं इसके अंदर सबसे पहले हम तेज पत्ता, डालते हैं जीरा। जीरा ज्यादा नहीं जाएगा लेकिन जितना जाएगा उतना सफिशियंट है। डालते हैं इलायची, दालचीनी, काली मिर्च, एक स्टर करते हैं और डालते हैं अपनी अनियन। प्याज को हमने गुलाबी गुलाबी भूनना है। जब तक प्याज हमारी भूनती है हम अपने टमाटर काट लेते हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि इससे आपका कुछ ना कुछ देखना रह जाएगा, कुछ आप मिस कर देंगे, इसलिए कंटिन्यू देख वॉच करते रहिएगा, देखते रहिएगा। तो चलिए अपने टमाटर को भी हम रफ काट लेते हैं। चलिए जब तक मैं अपने टमाटर काट रही हूँ तब तक आप लाइक का बटन दबा दीजिए और शेयर का बटन दबा दीजिए, इतना तो आप मेरे लिए कर ही सकते हैं। तो चलिए लाइक और शेयर का बटन दबाइए जल्दी से। मुझे कम से कम आज अच्छे लाइक्स चाहिए और अच्छे कमेंट्स चाहिए। चलो कमेंट्स आप करते ही नहीं, खैर शेयर का बटन दबा दीजिए यार, शेयर तो कर दीजिए। ये मैंने दो बड़ी साइज प्याज को स्लाइस किया है। आप चाहें अगर, ये मैं चार बंदों के हिसाब से बना रही हूँ तो मैंने दो प्याज लिए हैं। अगर आप ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं तो अपने हिसाब से प्याज का उपयोग कीजिएगा। कुछ लोग होते हैं जो प्याज का उपयोग नहीं करते, शुद्ध शाकाहारी भोजन का उपयोग करते हैं तो वो प्याज को स्किप कर सकते हैं। सिर्फ टमाटर के साथ ही ग्रेवी बनाई जा सकती है, बस उसकी जगह हम जहाँ काजू थोड़ी अधिक मात्रा में जाएंगे, अभी कम जाएंगे बाद में ज़्यादा जाएंगे जो नहीं खाते। तो चलिए प्याज को हम भुनने देते हैं गुलाबी गुलाबी। और टमाटर भी हमने चॉप कर लिए, अब थोड़ी सी हम किशमिश को चॉप कर लेते हैं। कोफ्ते बना रहे हैं वो भी मलाई कोफ्ता, तो कोफ्ता फीका फीका अच्छा नहीं लगेगा ना, थोड़ी सी स्टफिंग होनी चाहिए उसके अंदर। कोफ्ता जो है बेसिकली एक सॉफ्ट गुलाब जामुन की तरह मिलेगा आपको, और ऐसे ही बनता है मलाई कोफ्ता, जिसमें कि काजू और थोड़े से पिस्ता और किशमिश की फीलिंग होती है अंदर, जैसे गुलाब जामुन के अंदर होती है ना, उसी तरह से सेम ये नमकीन गुलाब जामुन बनेंगे बस आपके। तो चलिए काट लेते हैं थोड़े से काजू और किशमिश। अब बारी है अपने टमाटर डालने की, अब हम इसमें टमाटर डाल देते हैं। इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा नमक, जो टमाटर की स्किन को गलने में जल्दी आसान करेगा, उसका मेथड जल्दी पकने में उसको आसानी देगा।
अब डालेंगे इसमें हम थोड़े से अपने बेसिक मसाले, डालेंगे थोड़ी सी हल्दी सिर्फ एक कलर के लिए, और डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। आप चाहें तो हरी मिर्च का उपयोग भी कर सकते हैं इसमें, बट मेरे घर में स्पाइस कम खाया जाता है तो मैं नहीं यूज़ कर रही हूँ। और साथ ही साथ हम डाल देंगे इसके अंदर अपने काजू, क्योंकि टमाटर हमारे गल चुके हैं। अब इसमें टाइम है पानी डालने का, अब हम इसमें डालते हैं थोड़ा सा पानी। लेकिन एक चीज़ डालने के बाद, इसमें जाएगी एक कसूरी मेथी जो इसके फ्लेवर को और बढ़ा देगी। इसमें डालेंगे हम कसूरी मेथी हाथ से रब करके, आप कसूरी मेथी का उपयोग नहीं करते हैं तो हरे धनिए की डंडियां भी डाल सकते हैं इसके अंदर, वो भी स्वाद को बढ़ा देती है। तो चलिए अब डालते हैं इसके अंदर हम पानी, एक गिलास पानी है जो कि पूरा इसके अंदर जाएगा। ये एक गिलास पानी हम इसके अंदर डाल देते हैं और इसको हम ढक के धीमी आंच पे पकने देते हैं और तैयारी करते हैं हम अपने कोफ्तों की। तो चलिए धीमी आंच पे इसे हम पकने देते हैं और अपने कोफ्तों की तैयारी करते हैं। इसको दूसरी गैस पे ट्रांसफर करते हैं हम। कोफ्तों के लिए सबसे पहले तो हम पनीर ले लेंगे अपना, डालेंगे पनीर, जितने कोफ्ते बनाने हो उस हिसाब से ही पनीर लीजिएगा। इसको करेंगे हम मैश। 100 ग्राम के तकरीबन मैंने पनीर ले लिया है और अब हम इसमें लेते हैं एक आलू। आलू को हम कद्दूकस कर लेंगे, ज्यादा आलू नहीं जाएगा, सिर्फ बाइंडिंग के लिए थोड़ा सा जाएगा तो इसलिए ले लेते हैं। अगर रिक्वायरमेंट होगी तो हम इसमें अरारोट का उपयोग करेंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स करते हैं। इस तरह से हल्के हाथ से मसल के इसमें डालेंगे हम हल्का सा अपना नमक, डालेंगे नमक बहुत हल्का सा, और इसमें डालेंगे हम हल्का सा गरम मसाला। इसमें अरारोट का उपयोग हम करेंगे और साथ में यूज़ करेंगे हम बेकिंग पाउडर जो कि इसको एक सॉफ्ट टेक्सचर देगा। डालते हैं इसके अंदर हम थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर, और डालते हैं सिर्फ इतना सा बेकिंग पाउडर और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। 100 ग्राम के करीबन खोया है, इसमें से मैं 50 ग्राम के तकरीबन खोया ले रही हूँ और ये इसके अंदर मिक्स कर रही हूँ पनीर के अंदर ही। थोड़ी सी स्टफिंग में अपने जो ये मैंने काजू बादाम का मिक्सचर, काजू बादाम करी काजू किशमिश का मिक्सचर रखा है इसमें डालती हूँ और जिससे बाइंडिंग के लिए इसको भी स्पेस मिल जाएगा। इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। हम कोफ्तों के लिए डो लेंगे, इसको बीच में से हम इस तरह से प्रेस करेंगे और थोड़ी सी स्टफिंग ये जो हमने बनाई थी इसको इस तरह से हम
इसके बीच में भर देंगे और इसको हम बंद कर देंगे। गोल या लंबा, जिस हिसाब से आपको कोफ्ता बनाना हो आप उस हिसाब से बनाइए और फ्राई करेंगे कोफ्तों को हम। तो इस तरह से बाकी सारे कोफ्ते भी बना लेते हैं हम। कोफ्ते भी हमारे बनके तैयार हो गए हैं। चलिए अब इनको फ्राई कर लेते हैं। तेल की गैस को मैंने बिल्कुल स्लो रखा है, तेज नहीं रखना है। और ये भी गलती मत कीजिएगा कि आप डालने के बाद सीधा पलटा लगाने लग जाएं। पलटा बिल्कुल मत लगाइएगा, कलर चेंज हो जाएगा बस इसका, नहीं तो और पलटा लगाएंगे तो फट जाएगा आपका। थोड़े थोड़े करके सेकेंगे हम, इकट्ठा एक साथ सारे नहीं डालेंगे। आप देखिए मेरे डालते ही कलर चेंज हो गया है कोफ्तों का। ये कोफ्ते हमारे फ्राई हो गए हैं, आप देखिए कितना अच्छा कलर आया है। तो पेपर पे इसको हम निकाल लेते हैं, बाकी कोफ्ते भी इसी तरह से तैयार कर लेते हैं। देखते हैं हमारी ग्रेवी भी, ये ग्रेवी भी हमारी हो गई है। तो चलिए गैस की फ्लेम को करते हैं ऑफ और इसको खुला छोड़ के थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं, जिससे हम इसको पीस सके मिक्सी के अंदर। चलिए ये कोफ्ते भी हमारे फ्राई हो चुके हैं, इनको ऑयल से बाहर निकालते हैं। देख रहे हैं आप कितना अच्छा कलर आया, गोल्डन गोल्डन। इस पर एक लाइक तो आप लोगों का बनता है, एक कमेंट भी बनता है, बताइए इससे ज्यादा गोल्डन होने चाहिए। देखिए कमेंट आपने लिखना है ये आपके ऊपर है, लिखना या ना लिखना, लेकिन कोफ्तों का कलर इससे ज्यादा डार्क नहीं होना चाहिए। तो इससे ज्यादा अच्छे कलर और नहीं आ सकता, तो ये सफिशियंट है हमारे कोफ्तों के लिए। और ग्रेवी भी, चलो अब ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं हम लोग। ये ग्रेवी हमने पीस ली है अच्छे से, जितनी बारीक पीस सकते थे उतनी बारीक पीसी है। लेकिन अभी भी इसको क्रीमी टेक्सचर में लाने के लिए हम इस छलनी की सहायता से, ये मैंने मोटे छेद की छलनी ली है, इसकी सहायता से हम छान लेंगे। तभी ये क्रीमी टेक्सचर आएगा आपका इसके अंदर, आपकी ग्रेवी के अंदर। मलाई तो यही कहलाती है जो हमारी ग्रेवी है, कोफ्ते ये हैं। थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं जार के अंदर। थोड़ी सी मेहनत है बस, लेकिन जायके के आगे सारी मेहनत वसूल है। तो इतनी मेहनत तो अपने परिवार को खिलाने के लिए और जायके के लिए अपने हम कर ही सकते हैं। तो ये अच्छे से हमने पूरी ग्रेवी को कर लिया है, जो वेस्ट है इसका आप ये देखिए ये निकल गया है। तो ये ग्रेवी हमारी देखिए कितनी अच्छी गाढ़ी है अभी भी। तो चलिए करते हैं इसकी तैयारी। सबसे पहले गैस की फ्लेम को ऑन करते हैं, थोड़ा सा ऑयल, बहुत थोड़ा सा ऑयल डालना है आपने। तेल को गर्म होने देते हैं। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब समय है इसमें हमारा मसाले डालने का। तो सबसे पहले डालेंगे हम हींग। और हमने आपको, अगर आपने पूरी वीडियो देखी हो तो आपको पता होगा कि हमने स्पाइस का उपयोग सिर्फ काली मिर्च का किया था स्पाइस के नाम पे। अब डालेंगे हम इसमें लाल मिर्च। स्पाइस अपने हिसाब से रखिएगा। अब डालेंगे हम अपनी ग्रेवी इसके अंदर। और इसको हम पकाएंगे सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए। और साथ ही साथ डाल देते हैं इसके अंदर हम अपना हरा धनिया। धनिया हमने इसमें डाल दिया है, इसको एक उबाल दे देते हैं और फिर करते हैं हम अपनी प्लेटिंग की तैयारी। आज प्लेटिंग भी आपके सामने होगी, कैसे होगी ये आपको देखना पड़ेगा। तो ये उबाला हमारा आ चुका है। तो चलिए गैस की फ्लेम को करते हैं ऑफ और हम करते हैं प्लेटिंग। की ग्रेवी हमारी पक चुकी है अच्छे से, क्योंकि ऑलरेडी पकी हुई थी, बस 2 मिनट और इसको पकाना है। गैस की फ्लेम कर रहे हैं हम ऑफ
और आपके सामने आज आपको प्लेटिंग भी करके दिखाते हैं। तो चलिए बताते हैं प्लेटिंग। प्लेटिंग के लिए आपको चाहिए सबसे पहले तो एक बाउल, बट नेचुरल है, जितनी ग्रेवी आपने रखनी हो उस हिसाब से ग्रेवी रखिए। और अपने कोफ्ते आप इस तरह से इस पे प्लेस कर दीजिए। क्योंकि कोफ्ते जो हैं वो अगर हम ग्रेवी के अंदर डाल के पकाएंगे तो ये घुल जाएंगे, क्योंकि ये सॉफ्ट होते हैं कोफ्ते, तो इसलिए इनको ग्रेवी डालने के बाद आप कोफ्ते या फिर कोफ्ते रख के इसके ऊपर ग्रेवी डाल दीजिए। डायरेक्ट सर्व कीजिए, जब सर्विंग करनी हो हमने तभी आप कोफ्तों के ऊपर ग्रेवी डालिएगा, उससे पहले आप ग्रेवी को में कोफ्ते मत डालिएगा, नहीं तो आपको कोफ्ते ढूंढे से भी नहीं मिलेंगे अपनी ग्रेवी के अंदर। फिर मत कहिएगा श्वेता ने बताया नहीं था। तो अब आपको मैंने प्लेटिंग का एक सही तरीका बता दिया है, तो इस बात पे तो एक लाइक का बटन दबाना बनता है, तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट देने का मन हो तो दे दीजिएगा, मैं इंतजार करूंगी आपका। हाँ जी, तो करें टेस्टिंग, बताएं स्वाद कैसा है आपको, आइए। एक बार बनाएंगे नहीं मालूम नहीं चलेगा आपको, एक बार मेरे कहने पे बना के देखिए, रेस्टोरेंट का स्वाद भूल जाएंगे आप। आप खुद कहेंगे अपने आप से कि ये मैंने बनाया है, मतलब मैंने नहीं आपने बनाया है। एंजॉय करेंगे आप, तो फिर बनाइए खाइए और एंजॉय कीजिए, बताइए स्वाद कैसा लगा। बाकी चैनल पर नए हैं, जो मैं हमेशा बोलती हूँ आपसे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट भी दें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन के साथ ऑल का ऑप्शन है, उसे याद से दबाइएगा, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे आपको। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे कनेक्टेड।